हेलो दोस्तों। तो आज आप सभी के लिए यहाँ पे राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 का जो क्वेश्चन पेपर था उसे लेके आए हैं। और यहाँ पे जो आपका पेपर होगा सॉल्व पेपर यहाँ पे करवाने वाले हैं, यानी पूरे उत्तर सहित यहाँ पे आपको पूरे प्रश्नों के उत्तर आप सभी को बताने वाले हैं। आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है, जो कि राजस्व लेखपाल की भर्ती होने वाली है। लॉकडाउन के तुरंत बाद इसकी जो नोटिफिकेशन होगा वो जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप सभी को जो 13 सितंबर 2015 का आप सभी को पेपर दिखा रहा हूँ, जो कि पेपर आया था आपका, और पूरा यहाँ पे मैं आपको सॉल्व पेपर करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो पार्ट हमारा है वो हिंदी का है, तो हिंदी का देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मुहावरे के सही अर्थ आपसे पूछे गए। तो सबसे पहला जैसे आप देखेंगे खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, तो ये मुहावरा है। तो मुहावरे का सही अर्थ आप सभी को यहाँ पे चूज करना है कि सही अर्थ इसका क्या होगा, तो वो करेक्ट आंसर आपको देना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुलझुलाना। अगला प्रश्न देखेंगे, सेकंड, काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। तो यहाँ पे ये मुहावरा दिया गया है, इसका सही उत्तर आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न यहाँ पे आप सभी के सामने दिया गया है। यहाँ पे आपसे पूछा बोला गया है कि आपको ब्लोम शब्द यहाँ पे चुनने हैं। यहाँ पे एक शब्द आप सभी को दिया गया, तो जो शब्द दिया गया है वो क्रस दिया गया, तो क्रस का आपसे पूछा गया ब्लोम शब्द, तो क्या होगा यहाँ पे, होगा हस हस्ट पोस्ट। ठीक है, अगला देखेंगे नंबर 4, अल्पज्ञ। तो अल्पज्ञ का जो ब्लोम शब्द होगा वो आपका होगा सर्वज्ञ। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो पूरा आपको एक तरह से सिलेबस भी पता चल जाएगा, लास्ट बार कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, कैसे प्रश्न पूछे गए थे, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा खूंटिया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों का दूसरा अर्थ बताइए। तो उसका दूसरा अर्थ बताना है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है अजन्मा, तो अजन्मा का आपको बताना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ईश्वर। इसका जो अनेकार्थी यानी अनेकार्थी जो दूसरा शब्द होगा वो हो जाएगा ईश्वर। अगला देखेंगे नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बर्तनी के दृष्टि से शुद्ध है। तो यहाँ पे आपसे बर्तनी पूछी गई, यानी आपको 4 यहाँ पे शब्द दिए गए, उनमें से आपको एक चूज करना होता है कि इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। तो जो प्रतिनिधि लिखा जाता है वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बर्तनी का मतलब होता है कि जो 4 शब्द दिए गए हैं उनमें से हिंदी में किस प्रकार से उस शब्द को सही तरीके से लिखा जाता है, वो आपको चूज करना होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिनिधि। अगला प्रश्न देखेंगे 8वें नंबर का, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। तो यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे आपको चूज करना है कौन सा वाला इसमें से गलत है, विद्यालय में या जलपान को या उत्तम प्रबंध है या कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बी वाले में जो गलत है जलपान को, तो यहाँ पे होना चाहिए विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है, को नहीं आएगा का आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 9 देखेंगे, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें चूज करना है आपको कि ए बी सी कौन सी जगह पे इसमें त्रुटि दी गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे अच्छा होना चाहिए, इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम और तद्भव आपसे पूछे जाते हैं ऐसे शब्द जो कि संस्कृत से बिल्कुल ऐसे ले लिए गए हों, उनमें कोई भी बदलाव ना किए गए हों, उन्हें कहते हैं तत्सम। तद्भव ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं और उनको कहा जाता है तद्भव। यानी आज के समय में जिन शब्दों को बोला जाता है उन्हें तद्भव कहा जाता है, और जो शब्द पहले प्राचीन समय में जैसे बोले जाते थे और आज भी उन्हें हम सेम उसी प्रकार से बोलते हैं उन्हें कहा जाता है तत्सम। यानी ऐसे शब्द जिनमें कोई भी परिवर्तन आज तक ना हुआ हो वो तत्सम कहलाते हैं, और जिनमें हमने अपनी सुविधा अनुसार बदलाव कर लिए हैं वो कहलाते हैं तद्भव। तो उम्मीद है इस चीज को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए आज आज भी हम ऐसे ही बोलते हैं, आज आंख को आंख ही बोलते हैं, आग को आगी बोलते हैं, लेकिन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर कोई नहीं बोलता, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अन्य जो सभी शब्द हैं वो तद्भव हैं जो कि आज के समय में बोले जाते हैं। देखिए तत्सम और तद्भव की एक आपको सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूं, जो आज के समय में जितने वर्ड शब्द यूज किए जाते हैं वो तद्भव है। जो भी आपको लगे कि संस्कृत का ऐसा शब्द है और हम नहीं बोलते ऐसे, रेगुलर यूज नहीं करते, वो आपका हो जाएगा तत्सम। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आप सभी के लिए पूछा गया है कि 11 निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। तो यहाँ पे आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसे इंग्लिश में बोला जाता है। इसके लिए एक वर्ड आपको चूज करना होता है। जैसे कहा जाता है पर्वत की तलहटी, तो पर्वत की तलहटी को एक शब्द में क्या कहेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपत्य क्या। ठीक है, करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखेंगे, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। तो कंजूसी से जो धन को व्यय करता है उसे क्या कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कंजूसी के साथ पैसे खर्च करता हो उसे कहते हैं कृपण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 13 देखेंगे, 13वें नंबर का प्रश्न, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, इसे आपको फिल करना है कि इसके बीच में कौन सा सही शब्द आएगा। तो आपने ये बहुत बार सुना होगा कि भाई उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वो अपने शत्रु को भी हानि नहीं पहुंचा सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शत्रु। चलिए 14वें नंबर का प्रश्न देखेंगे, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि क्या रहना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा उद्दत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो यहाँ पे आपसे अरविंद शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है और इसका जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा कमल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो अरविंद के नीचे आपको और भी पर्यायवाची शब्द मिल जाएंगे, जैसे जलज, पंकज, नीरज, सरोज, अंबुज आदि सभी जो होते हैं कमल के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। 16, निर्धन में कौन सी संधि है। तो संधि भी आपसे पूछी जाती है, तो यहाँ पे आप सभी को बताना है कि निर्धन में कौन सी संधि आपसे पूछी गई है। तो निर्धन में जो आपकी संधि पूछी गई है यहाँ पे देख लेते हैं इसका आंसर क्या दिया गया है। देखिए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला गया है कि निर्धन में विसर्ग संधि है। अगर आप इसकी क्लासेस चाहते हैं तो मैं आपके लिए क्लासेस लगा दूंगा, जिससे कि आपकी हिंदी के जो भी डाउट हैं वो सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड 110% आप यूपी लेखपाल में, मैं गारंटी देता हूँ 25 क्वेश्चंस में से कम आप 23 प्लस करेक्ट आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो हम हिंदी की क्लासेस स्टार्ट करवा देंगे अगर आप कहेंगे तो। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 17, देशांतर में कौन सा समास है। तो समास भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देश के समांतर। तो कर्मधार है इसमें, देशांतर में समास यूज किया गया है। तो यहां पे देख सकते हैं कर्मधार के अन्य उदाहरण परमेश्वर, नीलकंठ, नीलकमल आदि हैं। अगला देखेंगे 18वें नंबर का प्रश्न, अंबर पनगढ़ में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। तो इसमें कौन सा अलंकार यूज किया गया है। अलंकार भी आपसे पूछे जाते हैं, यानी अगर हिंदी की हम बात करें तो ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से यहाँ पे प्रश्न उठाए गए हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रूपक अलंकार इसमें यूज किया गया है। आगे देखेंगे 19वें नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही, तद्भव और तत्सम होते क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इष्ट का कुपुत्र, उलूक और अमेय। तो अमेय है जो तद्भव है, बाकी के इष्ट का हुआ, कुपुत्र हुआ या उलूक हुआ, ये सभी तत्सम शब्द हैं। ये थोड़ा सा टफ है, अमेय यहाँ पे दिया गया है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं अमेय जो होता है वो तत्सम होता है। ठीक है, अमेय का जो तत्सम होता है अमृत होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 20 से 21 लिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। तो यहाँ पे सही वाक्य का आपको चयन करना है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं पूरे पूरे, जिसमें से आपको सही चूज करना है कौन सा सही है। जैसे तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और सूर ब्रजवासी हैं। तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसी और सूर क्रम से अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखेंगे 21 नंबर का प्रश्न, ऐसे ही दिया गया है, इसमें से भी सही वाक्य का आपको चयन करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। चलिए अगला देख लेते हैं 22 नंबर का, करुण रस का स्थाई भाव क्या है। तो रस भी आप देख के जाइएगा, इसके स्थाई भाव अगर आप पूछ लिए जाते हैं तो करुण का जो स्थाई भाव हो जाएगा वो हो जाएगा शोक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए
अगला देख लेते हैं, 23 नंबर का प्रश्न देखेंगे। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो यहां पे भेद भी आप सभी से पूछ लिए जाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पूर्ण भूत, यानी जो कार्य है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। चलिए अगला देखेंगे, 24 नंबर का। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो यहां पे आपसे पूछा गया है कि जो रेखांकित वाक्य है उसमें कौन सा कारक यूज किया गया है, यानी सेवक को रेखांकित किया गया है तो इसमें कौन सा कारक यूज किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा संप्रदान, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो इसका ये संप्रदान हो जाएगा, संप्रदान इज द करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे, 25 नंबर का। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ पे लिंग भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग या पुरुष लिंग, जो भी आपका होता है उसी तरीके से आपको आंसर देना है। तो ठठेरा का आपको स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना है, तो इसका जो ठठेरा का लिंग परिवर्तन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठटेरिन इज द करेक्ट आंसर। तो ये टोटल जो हमने है 25 क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी को बताए हैं हिंदी के। इसी तरीके से अगले जो पार्ट में होंगे वो आपके मैथ के 25 होंगे, इसी तरीके से अलग अलग पोर्शन में सभी के लिए जाएंगे 25 GS के होंगे। ऐसे ही हम आपको पूरे 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। और 2015 में दो पालियों में आपका एग्जाम करवाया गया था, यानी टोटल 8 पार्ट आपके लिए आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई भी पार्ट अपलोड हो आप सभी को रेगुलर मिलता रहे। और आप सभी को बता दें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए पहले सबसे पहले जरूरी होता है उसके सिलेबस को समझना, उसका पैटर्न क्या है। अगर हम सिलेबस और पैटर्न को अच्छी तरह से समझ गए तो समझ लीजिए आप 30% प्लस हो जाओगे अदर और पर्सन से। अगर जितने बार अभ्यर्थी जो भी तैयारी करते हैं, अगर आपने सिलेबस और पैटर्न को अच्छे से समझा, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो उसका सिलेबस पहले इसीलिए जारी किया जाता है ताकि उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें, कौन से टॉपिक आते हैं, क्या आता है, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप सभी के लिए सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।